नमस्कार। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म के चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। फ्रीडम इंडिया दैट फ्रीडम फाइटर्स ड्रीम्ड अबाउट, स्वतंत्र सेनानियों के सपनों का भारत, इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। आज हम प्रोफेसर राम पुन्यानी से बात करेंगे। प्रोफेसर राम पुन्यानी ये सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म के अध्यक्ष है और सांप्रदायिकता विरोधी लड़ाई के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता और लीडर। उनके कई वीडियोस हैं, अच्छे इतिहासकार हैं, इतिहास का अच्छा अभ्यास है और एक लीडिंग इंटेलेक्चुअल है। प्रोफेसर राम पुजारी, आपका इस सीरीज में स्वागत है। धन्यवाद इरफान, थैंक यू वेरी मच। राम जी, हम लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में जिस भारत की कल्पना की थी, उसके जी कुछ अंश आप बता सकते हैं? उसके कुछ महत्व के इंडिकेटर्स, महत्व के मुद्दे आप बता सकते हैं? जी जरूर जरूर। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई बात थी तो वो बात ये थी कि जो महात्मा गांधी ने रोल किया उसमें सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी भाषाओं के लोगों को, पुरुषों को और स्त्रियों को साथ में जोड़ा। और जो भी लोग चाहते थे कि एक भारत बने जिसमें बराबरी के लिए, बराबरी की जगह सबको हो, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम किए। इसीलिए आप देखेंगे, जब हम देखते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतें कौन सी रही, तो हमको महात्मा गांधी के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, फिर भगत सिंह, अशफाक उल्ला, और ये सब लोग हमको उस संघर्ष में दिखेंगे। रामास्वामी मतलब पेरियार, रामास्वामी पेरियार, और वैसे तो देखा जाए तो आसाम से भी काफ़ी बड़ी बड़ी शख्सियतों ने इसमें भाग लिया। पूरे देश के वैसे चित्रंजन दास का भी नाम ले सकते हैं आप, डब्ल्यू सी बैनर्जी जो एक क्रिश्चियन थे, वो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था। तो मुख्य लुबलुआ भी ये है कि सभी धर्मों के लोगों ने इसको अपना एक आंदोलन समझा और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव उन्होंने एक भारतीय नागरिक के रूप में, भारतीय नागरिकता तो आने वाली थी पर भारत के व्यक्ति के रूप में उन्होंने कभी भी इस प्रकार से भेदभाव नहीं किया। उसमें उत्तर दक्षिण का हो, हिंदी और तमिल का हो, मलयालम और बंगाली का हो, और दूसरी भाषाओं का हो, सब भाषाओं के लोगों ने भी इसमें भाग लिया। और तीसरी बात इरफान, मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें स्त्रियों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया, वो भी बराबरी के इस पे आए। अरुणा आसफ अली हो, कमला चट्टोपाध्याय हो, और ऐसी बहुत सारी महिलाओं ने बहुत नेतृत्व की पोजिशन में आकर भारत को आजाद कराने की पूरी पूरी कोशिश की। ये काफी चैलेंजिंग रहा होगा, इतना आसान काम नहीं रहा होगा। ये लोग जो अलग अलग भाषाओं में से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग प्रिंसिपालिटीज और अलग अलग तबके, जो राजा महाराजा थे उनके प्रदेश से आते थे, अलग अलग ट्रेडिशंस, कस्टम्स, इन सबको इकट्ठा करना एक चैलेंजिंग टास्क रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहा होगा। तो उनको जोड़ने वाला मुख्य मुद्दे क्या था? मुख्य जोड़ने वाले जो मुख्य मुद्दे मैं कहूंगा वो ये थे कि एक भारतीय राष्ट्रवाद की छोटी सी कल्पना, और जैसे ही औद्योगिकीकरण, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक ट्रांसपोर्ट, आधुनिक कम्युनिकेशन, फिर कुछ अखबारों का निकलना, इन सब लोगों ने इसके आधार पे एक दूसरे के साथ पहचानना शुरू किया। और उसमें उनको लगा कि ब्रिटिश हमारा शोषण कर रहे हैं और हमको ब्रिटिश के इससे गुलामी, ब्रिटिश की गुलामी से मुक्ति पाना है। तो उसमें सब लोग देख रहे थे कि किसी का जो शोषण हो रहा है वो भाषा के आधार पे हो रहा है, किसी का शोषण धर्म के आधार पे हो रहा है। तो ये लोगों को जोड़ने वाली जो कड़ी थी वो मेरे ख्याल से थी भारतीय राष्ट्रवाद। और जो 1885 में भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसी बात का ध्यान दिया कि भारत का एडमिनिस्ट्रेशन भारतीयों के पास हो। इसीलिए उन्होंने मांग रखी कि आईसीएस जो इंग्लैंड में होती थी
उसको भारत में लाया जाए, इसलिए उन्होंने मांग रखी यहाँ के जो भी अब जिसको हम उद्योगपति हो। आईएएस कहते हैं तब वो करेक्ट, आईसीएस थी। आईएएस कहते हैं। तो दूसरा जो भी उद्योगपति हो उनको सुविधाएं दी जाए ताकि वो फैक्ट्रियों को डेवलप कर सके। क्यों डेवलप कर सके? ताकि भारत की जो श्रम शक्ति है अभी जमींदारों के अंडर में कैद है, गुलाम है, वो उससे फ्री होकर आजादी के फैक्ट्रियों में काम करके उत्पादन बढ़ा सके। भारत की प्रगति का वो एक मुख्य रास्ता था। तीसरा उन्होंने जो बात की, इसी के साथ साथ जो भारतीय कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं, उनके पास बहुत बड़ी जमीन है, जमीन में बहुत लोग गुलामी से काम करते हैं, तो उन पर भी एक प्रकार का बंधन लाया जाए। ये तीन मांगों में कोई धर्म की जगह नहीं थी, भाषा की जगह नहीं थी, और स्त्रियों को भी बराबरी का दर्जा देने की बात थी, क्योंकि पहले ही सावित्रीबाई फुले स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम करने लग गई थी अपनी सहेली फातिमा शेख के साथ, तो सबको जोड़ना मुश्किल था। पर ये सिद्धांत ऐसे थे कि लोग इससे आकर्षित हुए। ऐसे दूसरे प्रवाह भी थे, जो कोई धर्म के नाम पे बात कर रहा था, कोई क्षेत्र के नाम पे बात कर रहा था, पर उससे सब लोग जुड़ नहीं पाए। इस चीज से ये लोगों की आकांक्षाएं और लीडरशिप क्या रखती है, इसका मेल जोल से भारत के ये जो चुनौतियां थी विविधता को राष्ट्रवाद के रूप में एक रखना, ये उसी के कारण हो पाया। 1931 की कराची कांग्रेस में जो स्वतंत्र भारत का एक प्रारूप, एक सपना, एक विजन रखा गया, जिसमें सभी के लिए शिक्षा होगी, उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों को काफी बढ़ावा मिलेगा, एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जिसमें बड़े बांध हो या एग्रीकल्चर का विकास हो, किसानों का विकास हो, जमीन का बंटवारा हो, सभी के स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था हो, और उसके अनुसार टैक्सेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सबका ध्यान रखा गया, ये सबको सपने में शामिल किया गया। और साथ ही में मेरे ख्याल से सबको जोड़ने वाले तत्व, एक जो दबे कुचले वर्गों को स्वतंत्रता संग्राम में मोबिलाइज किया, वो था समानता का सपना और धर्मनिरपेक्षता का सपना, आजादी, स्वतंत्रता के साथ साथ एक सम्मान, डिग्निटी ऑफ लाइफ सभी के लिए, समानता और और सामाजिक न्याय। देखिए, इसमें जब हम आजादी के आंदोलन की बात करते हैं तो उसमें दो समांतर प्रभाव भी आप देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ से ज्योतिराव फुले ने से शुरू होकर अंबेडकर तक आने वाला प्रवाह, जिसके कारण दलितों के सम्मान पाने की आशा मजबूत हुई और वो भी एक आजादी के आंदोलन का भाग बने, और दूसरी तरफ स्त्रियों की शिक्षा, इससे भी उनको एक सम्मान पाने की आशा मिली। तो आप जो बात कह रहे हैं 1931 के कराची अधिवेशन की, वो तो खैर उसके लिए भी याद रखा जाएगा कि भगत सिंह की उसी समय फांसी हुई थी, तो इसमें प्रस्ताव रखा गया था कि हम ब्रिटिश सरकार की निंदा करते हैं कि उन्होंने इतने बड़े राष्ट्रभक्त को फांसी दी, ये उसी 1931 का प्रस्ताव है। आपकी बात को थोड़ा आगे लेते आते हुए मैं कहूंगा, ये जो चीजों की मांग कराची कांग्रेस में रखी गई, उससे एक साल पहले 1930 में शायद लाहौर में कांग्रेस थी, जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी हिम्मत से ये बात सामने रखी कि हमको संपूर्ण आजादी चाहिए। तब तक क्या बात चल रही थी? डोमिनियन स्टेटस की। तो ये 1930 का बैकग्राउंड है। तो हम जी आजाद बिल्कुल, रहेंगे तो हमको ये सब चाहिए। फिर इसके आगे देखिए, जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं तो इस चीज को आगे ले जाते हैं। वो क्या कहते हैं, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमेटी बनाते हैं। जी आपका वीडियो थोड़ा हैंग हो गया शायद। हाँ, जी, 1938 का मैं रिपीट कर दूं, सुभाष चंद्र बोस का। हाँ जी, सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष बने तो उनके दिमाग में वो 1931 वाली कांग्रेस की बात थी। ये चीजें हमने सोचा तो है, पर लागू कैसे होंगी?
उसके लिए एक नियोजन समिति चाहिए, प्लानिंग कमीशन चाहिए, प्लानिंग कमेटी उसका नाम रखा गया, इंडिया प्लानिंग कमेटी। और उन्होंने उस समय जवाहरलाल नेहरू वहां थे नहीं, और इन दोनों का एक समाजवाद पे बहुत विचार मिलते थे, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया। और जवाहरलाल नेहरू जो इस मीटिंग में नहीं थे वो अमेरिका में थे, इन्होंने पत्र लिखा कि आप जल्दी से आइए, आपके लिए कांग्रेस के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी आपका इंतजार कर रही है। तो 15 अगस्त के बाद जो इतनी चीजें एकदम हो गई, उसके कुछ कुछ पृष्ठभूमि आजादी के आंदोलन के दौरान उसके बीज पड़ते गए, यानी बीज थे, प्लानिंग कमीशन अचानक से आ गया क्या? नहीं, उसके बीज थे। और ये जो चीजें हैं, ये सबको सुविधाएं मिलना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, इसकी भी एक, इसकी भी जड़ें, इसके भी बीज डाल दिए गए थे। तो ये आजादी के आंदोलन का एक बहुत बड़ा महत्व है, और यही कारणों से सभी लोग साथ में आए। जी, ये दो और मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहेंगे राम जी। एक था कि स्वतंत्रता संग्राम में धर्म और राजनीति के संबंधों के बारे में बहुत वाद विवाद हुआ। एक बाजू जिन्ना थे और सावरकर थे जो धर्म के आधार की राजनीति करते, गांधी जी एक बाजू थे जो धर्म की नैतिकता को लेकर राजनीति पर एक पहचान की राजनीति नहीं, और तीसरे थे कि जो धर्म और राजनीति को अलग रखने की बात करते थे। ये तीन प्रवाह थे स्वतंत्र संग्राम में। अब देखिए, ये तीन प्रवाह के पीछे एक प्रक्रिया को समझना जरूरी है कि जैसे ये आजादी के आंदोलन की प्रक्रिया चल रही थी, जैसे मैंने बताया, उद्योग धंधों का आना, दलितों में शिक्षा, स्त्रियों में शिक्षा, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और आधुनिक शिक्षा पूरी, इससे कुछ नए वर्ग ऊपर आए। और ये जो नए वर्ग ऊपर आए, इसी के यही कांग्रेस का आधार बने। और जो पुराने यहाँ के राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे, उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रहा था। उन्हें समस्या क्या हो रही थी कि अभी तक तो वो अपने क्षेत्र के पूरे मालिक हैं, दलित उनके गुलाम हैं, स्त्रियां घर में कैद हैं, ये उनके मूल्य थे। उसी मूल्य से एक तरफ मुस्लिम राष्ट्रवाद आया, दूसरी तरफ से हिंदू राष्ट्रवाद आया, और इसको फिर 1923 में सावरकर ने उसी प्रकार, और 1930 से कुछ जब कि इधर से सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की बात की, और इसी हिंदू राष्ट्र की बात को 1925 में आरएसएस ने और मजबूत किया। और इसका एक कारण मैं आपको बताना चाहूंगा इरफान, वो ये है कि जब हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की बात आई, 1925 में आरएसएस के बनने का जो कारण मुझे एक अध्ययन करते हुए पता चला, वो ये है कि उस समय तक यहाँ के दलितों की अस्मिता काफी जागृत हो रही थी, और वो नागपुर क्षेत्र में जो गैर ब्राह्मण मूवमेंट, यानी यहाँ के सेठ जी, भट जी, जमींदार, ब्राह्मण के विरोध में जो आंदोलन हुआ, उसने यहाँ के सवर्णों को, यहाँ के जमींदारों को बहुत विचलित कर दिया। तो वहां से आरएसएस एकदम काफी मजबूती में आई। और इसके पहले 1921 में मोपला रिबेलियन, जो एक जमीन के अधिकारों के लिए आंदोलन था, उसमें उसको कई लोगों ने हिंदू मुसलमान का टच देने की कोशिश की, अंग्रेजों ने भी उसी प्रकार का टच देने की कोशिश की, जबकि ये मुख्य रूप से वहाँ के जो गरीब मुसलमान थे, हिंदू जमींदार थे, उनके बीच की एक समस्या का सवाल। तो उसके कारण फिर वहाँ से एक तरफ से मुसलमान विरोध आरएसएस की तरफ से, दूसरी तरफ से ये जो समाज की व्यवस्था का विरोध, दोनों दोनों चलने लगे। तो इसके बाद जो बाकी, मतलब थोड़ा सा मुझे इसमें लगता है कि वर्ग संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ग संबंध जी इस अर्थ में कि एक तरफ जो उभरते हुए वर्ग हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, इसके साथ ऊपर आते हैं, और दूसरी तरफ जो सामंती ताकतें जमीन से जुड़ी हुई सत्ता सत्ता के साथ थी, उनके साथ पुजारी वर्ग भी था, क्लर्जी वर्ग भी था। तो ये दो दूसरे प्रवाह में से ये धर्म के नाम के संगठन निकले, जबकि कांग्रेस के अंदर महात्मा गांधी की एक यूनिक पोजीशन क्या थी कि वो
ये अपने आप को हिंदू मानते थे, मौलाना आजाद भी अपने आप को हिंदू मानते थे। तो एक हिंदू है और एक मुसलमान है, और दोनों ने अंतिम क्षण तक पार्टीशन का समर्थन नहीं किया। मुख्य बात क्या है, इन दोनों ने धर्म के मर्म यानी धर्म के नैतिक मूल्यों को पकड़कर कहा कि धर्म यही है, पूजा पाठ किताबें मंदिर तीर्थ यात्रा ये एक दुय्यम चीज है, प्राथमिक चीज है धर्म की मानव। तो इसके आधार पे ये उन्होंने तो मेरे ख्याल से आजादी के आंदोलन के सेक्युलरिज्म के बड़े कोई स्तंभ रहे हैं, तो ये तो रहे। भारत को बनाए रखने में और जोड़े रखने में एक महत्वपूर्ण भाग और हिस्सा भारत की मेलजोल वाली संस्कृति भी है, शेयर्ड कल्चर है, जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं या जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? पहले मैं उसका एक थोड़ा सा मोटे रूप से ही बता दूं कि भारत की जो मिली जुली सभ्यता है उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिखते हैं। वो कहते हैं मोटे तौर से, उन्हें तो वो जो कहते हैं उसका मैं भावार्थ बता देता हूँ कि भारत को देखकर मुझे इतने आश्चर्य होता है, चीज है भाषाएं हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा जिसमें अलग अलग धर्म के आती रही एक के बाद एक, यानी उनका तरीके आते हैं तो पुरानी सभ्यता के साथ समन्वय कर लेते हैं, और यही भारत की मेलजोल की परंपरा। और आप इसमें देखिए तो इसको सबसे उच्च दो बिंदु में जो मैं मानता हूँ, एक मैं मानता हूँ भक्ति परंपरा और दूसरी मानता हूँ सूफी परंपरा। अब ये देखिए आज मोटे तौर पे इनके जो मूल सिद्धांत थे ये कोई पुस्तकवादी नहीं थे कि किताब में ये लिखा है किताब में वो लिखा है, इनका ज्यादा संबंध था लोगों से, लोगों से प्यार की बात करना, लोगों को जोड़ना, लोगों के साथ मूल्यों की बात के आधार पे जोड़ना। जैसे संत कबीर क्या कहते हैं कि हमारे जो सब अलग अलग प्रकार के भगवान हैं, ईश्वर है, अल्लाह है, ये सब एक प्रकार की धातु से बने हैं, उसको बनाने वाली धातु सोना एक है, उसी में से किसी ने उसको अल्लाह बनाया है, किसी ने उसको ईश्वर बनाया, ये संत कबीर बताते हैं। और संत कबीर इसलिए ज्यादातर जो क्लर्जी वर्ग रहता है, जो पुरोहित वर्ग रहता है, उसके खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि वो पुरोहित वर्ग एक तो राजाओं से समझौता करता है, राजाओं के साथ चलता है, और दूसरा उन रूढ़ियों को जिंदा रखना चाहता है। और इधर सूफियों को देखिए, सूफी संत भी जिस प्रकार की रूढ़ियों को मौलानाओं ने जिंदा रखा था उसके खिलाफ जाके स्थानीय लोगों के साथ मिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उनके साथ त्योहार मनाते हैं। और ये त्योहार मनाने की सूफी संतों की परंपरा, भक्ति संतों की परंपरा, इसमें और भी आप देखिए पूरे समाज में यह बात प्रचलित थी। जो एक एक बात को रहे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, तो वहाँ होली का त्योहार गांव के मुसलमान जमींदार के घर से चालू होता है। दूसरी जगह आप देखिए ताजिया, ताजिया निकलता है उसके इंतजार में हिंदू औरतें रहती हैं ताजिए के नीचे से निकलने की कोशिश। ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, आप ऐसा करने जाएंगे तो एक बहुत पुस्तक आ जाएगी हमारे सिंक्रेटिक कल्चर की। तो आप देखिए ये जो केरल में वो कौन सा है, सबरीमाला, सबरीमाला में अब एक दूसरा भी बात अलग है, उस पर मैं नहीं जा रहा, पर सबरीमाला में जो जाते हैं वो सबरीमाला भगवान के पास जाने के पहले वावर की मस्जिद में जाते हैं, वहाँ मौलवी साहब से आशीर्वाद लेते हैं, उसके पहले वो सेंट सेबास्टियन के चर्च में जाते हैं, वहाँ पुजारी का आशीर्वाद लेते हैं। और वहां तो यहाँ तक की मान्यता है जिसको आजकल दबा दिया गया है कि वावर और सबरीमाला ये दोनों भाई भाई थे। अब इससे प्यारा उदाहरण और क्या मिलेगा। तो ये तो एक हमारे धर्म की परंपरा में हुई, इसलिए आज भी हम देखते हैं जैसे महाराष्ट्र में वारकरी परंपरा है, वारकरी परंपरा में केवल हिंदू नहीं जाते, संत कबीर को मानने वाले केवल हिंदू नहीं है मुसलमान भी है। और दरगाहों पे तो आप जाके कई बार, अभी 20 साल पहले दरगाह पे जाके तो आश्चर्य होता था कि कहाँ आ गए हम, एक तरफ नारियल बिक रहा है अपने हाजी मलंग की दरगाह, एक तरफ नारियल बिक रहा है, एक तरफ फूलों की चादर बिक रही है, हिंदू भी उतनी संख्या में जा रहे हैं, मुसलमान इतनी संख्या में, यानी धर्म का जो उस समय मेन फंक्शन था
वो बांटने वाला नहीं है इन परंपराओं, ये जोड़ने वाला है। इंसान जोड़ने वाला। को इंसान से ये परंपराएं जोड़ती है। और फिर उसी के बाद आप देखिए तो एक मजेदार चीज देखिए, खाने पीने की चीज देखिए। खाने पीने की चीज में मैं खुद का देखता हूँ, ये जो बहुत प्यारी चीजें लगती हैं बहुत सारी ईरान से आई। आप बिरयानी ले लीजिए, जलेबी ले लीजिए, गुलाब जामुन ले लीजिए और अच्छा, किशमिश जैसे चीज ले लीजिए। और भारत से भी कितनी चीजें बाहर गई, भारत से आप देखिए आम, केले, मसाले, ये उधर गए। इतनी हमारे आज जो हम कपड़े पहनते हैं आप देखिए, इसमें भी आपको कितना मिलेगा कि सभ्यताओं का मेल जोल है। हमारे हिंदू देवी देवता वो तो धोती साड़ी पहनते थे। फिर ग्रीस में सिलाई की कला का विकास हुआ, जिसको अरब के मुसलमान यहाँ के लिए लेकर आए। उसके बाद आपका सलवार कमीज पैंट और फिर कुछ मुस्लिम परंपराओं को अलग है, हिंदू परंपराओं को अलग है। संगीत के क्षेत्र में देख लीजिए, मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सबसे अच्छा लगता है। और उसमें आप देखिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खां हो, रविशंकर हो, या फिर उस्ताद बिस्मिल्ला खान हो, सबका उतना ही योगदान दिखता है। अमजद खान, अमजद खान, आप लंबी लिस्ट बनाते जाइए। फिर और देखिए, ये जो अभी बीबीसी के बारे में न्यूज आई थी, एनआरआई 30,000 एनआरआई इंडियंस को उन्होंने सर्वे किया कि आपके प्रिय भजन कौन से हैं हिंदी फिल्मों के। और इरफान आपको आश्चर्य होगा कि 10 हिंदी फिल्मों के जो भजन थे उसमें 6 को लिखा है शकील बदायूनी ने, 4 है साहिर लुधियानवी ने, और उसमें मेरा जो फेवरेट खास तौर से है बैजू बावरा का, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। लिखने वाले शकील बदायूनी, गाने वाले मोहम्मद रफी, संगीत देने वाले नौशाद अली। तो ये अच्छा, परंपरा है, पहले रस खान थे, रहीम थे, उन्होंने कितना लिखा भगवान कृष्ण पे। और कितने ऐसे विद्वान हैं मुस्लिम में से जिन्होंने रामायण और महाभारत पे सुंदर सुंदर कमेंट्रीज लिखी। और लास्ट पॉइंट, मुगल दरबारों में दिवाली मनाई जाती, जश्न ए चरागा, जश्न ए चरागा, जश्न चला और होली मनाई जाती थी, ईदे गुलाबी। ईदे गुलाब। अब इससे ज्यादा मेल जोल आपका क्या होगा। तो इस आधार पे, कल्चर के आधार पे, संस्कृति के आधार पे कोई संघर्ष नहीं था आम लोगों में। हो सकता है जो उच्च प्रू वर्ग के लोग हो, जो मौलाना या पंडित हो, वो इसको मानते होंगे कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर लोग गलत सही कहाँ देखते हैं, लोग जहाँ दूसरों को देखते हैं उसके साथ चल पड़ते हैं। अभी मैंने इरफान क्या ये पिछले हफ्ते कांवड़िया का एक इंटरव्यू देखा, कांवड़िया का 3 हिंदू नौजवान है, उनके साथ 2 मुसलमान नौजवान भी है कांवड़िया की यात्रा में। तो ये जो मेल जो हमारे समाज का है अद्भुत है, और ऐसे ही बने रहना चाहिए था। यही हमारा भारत है। और आज आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। एक जो स्वतंत्र सेनानियों का सपना था कि भारत एक विकसित राष्ट्र राष्ट्र बने, और उसमें जो अंतिम पायदान पर लोग हैं उनकी रोजमर्रा की जरूरतों की केयर ली जाए, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, हाउसिंग, घर, नौकरी वगैरह, और विकास यानी मानव विकास। और उसके साथ आपने आज भारत को ताना बाना जोड़ने वाली संस्कृति के बारे में हम सब लोगों को बताया। राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।